तो दोस्तों आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड को। यहाँ पर पढ़ते हैं हम डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड की। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या डाइवर्सिटी, कितनी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। सो देखो, अभी तक डिस्कवर की गई है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। तो इतना जोर क्यों लगा रहा, शांति से बोल दे। ओके, अभी तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर की गई हैं टिल डेट। इनमें से 1.2 मिलियन तो जानवर हैं और 0.5 टू 0.6 मिलियन प्लांट्स हैं। 1.2 मिलियन कौन है? एनिमल्स। 0.5 टू 0.6% प्लांट्स हैं। याद रखना, ये याद रखना, प्लांट्स में भी सबसे ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट है, और एनिमल्स के अंदर इंसेक्ट ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अगर आप हर जगह 10 एनिमल्स को उठाओगे कहीं पर्टिकुलर एरिया में से, तो उनमें से 7 इंसेक्ट्स निकलेंगे। आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स। ओके, 1.2 मिलियन, 1.8 टू 1.7 मिलियन, 0.5 0.6। ओके, नाउ अब इतनी डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए लोगों ने एक ब्रांच बनाई, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डाइवर्सिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? This term biodiversity was popularized by a sociobiologist named Edward Wilson. Edward Wilson, कौन? Edward Wilson. After that मैं आपको बताता हूँ कि एक diversity की पूरी तरीके से study करने के लिए, सारे organism को एक एक करके पढ़ने के लिए, specially एक branch है biology की जिसको बोलते हैं taxonomy. Taxonomy term was given by A.B.D. Kendall. याद नहीं रखना, father, ये याद रखना, कैरोलस लीनियस टैक्सोनॉमी का पापा है। कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। एंड यू नो व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज ब्रांच विच डील्स विद कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टराइजेशन मतलब आपको कोई अगर नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो पहले उसका कैरेक्टराइजेशन होगा, कैरेक्टर्स देखे जाएंगे उसके, फिर उनको मैच किया जाएगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म पहले से है या नहीं है। तो अगर पहले से मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला भाई यार, ये मान लो कि ए बी सी डी फीचर शो कर रहा है, ऐसा कोई है ही नहीं, ये तो नया ही मिला है कोई, तो फिर उसका फिर आइडेंटिफिकेशन करके नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। नॉमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण किया जाएगा और फिर उसको क्लासिफाई कर दिया जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया जाएगा। इंसेक्ट है, इंसेक्ट में भी कौन सा है, इस टाइप से। सो इन स्टेप्स को सबको हमें टैक्सोनॉमी में अच्छे से पढ़ते हैं, जो कि हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके,